अगर आप आपके अपनों को कनाडा बुलाना चाहते हैं पर वीजा रिजेक्शन या इमिग्रेशन प्रोसेसेस की कॉम्प्लिकेशन से डरते हैं, तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के पास है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन। हम हर तरह की इमिग्रेशन से डील करते हैं। WWICS। लोकसभा में 13 फरवरी को माहौल गर्म रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 पर जवाब देने के लिए आई थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानूनों को लेकर निर्मला ने कहा कि किसानों को कांग्रेस गुमराह कर रही है और कृषि कानूनों में कोई भी खामी नहीं निकाल पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब क्यों बदल गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन की नहीं। पराली को लेकर भी पंजाब में कांग्रेस सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है। कांग्रेस को टारगेट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, उम्मीद थी कि कृषि कानूनों में कम से कम एक बिंदु निकालकर वे बोलें कि इस वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर ये भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया। निर्मला ने कांग्रेस से पूछा कि क्या तीनों कृषि कानून आने के बाद APMC देश भर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ। हम APMC का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं। निर्मला ने कांग्रेस पार्टी पर आर्थिक मामलों में कभी रूस तो कभी चीन का पिछलग्गू बनने की बात कही है, ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, BJP ने हमेशा से भारत, भारतीयता और यहाँ के लोगों पर भरोसा किया है। बिना किसी का नाम लिए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक वक्त था जहां कुछ राज्यों में सरकार थी, वहां दामाद को जमीन मिला करती थी, जैसे राजस्थान, हरियाणा। मैं इसकी डिटेल्स दे सकती हूं। उन्होंने कहा कि हम दामाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारी योजनाएं आम लोगों के लिए होती हैं, दामाद के लिए नहीं। इससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2019, इस पर एक डिस्कशन हुआ था। उस पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा था। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि आर्टिकल 370 को बेअसर करने के बाद आपने कहा था कि जम्मू और कश्मीर के हालात सुधरेंगे, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। आप कम से कम इतना ही कह दीजिए कि रात गई तो बात गई, चुनाव के साथ वादा भी गया। अमित शाह से सवाल करते हुए अधीर ने पूछा कि क्या आप कश्मीरी पंडितों को वापस लाने में सफल रहे हैं? क्या गिलगित बाल्टिस्तान वापस आ गया? कम से कम देश में विस्थापित कश्मीरियों को तो वापस कश्मीर घाटी ले जाइए। आप कश्मीरी पंडितों को घाटी में जमीन नहीं दिला पाए, जल्दबाजी में आपने आर्टिकल 370 को बेअसर किया। ये सारी बातचीत थी जो लोकसभा में 13 मार्च के दिन हुई थी। लोकसभा से जुड़ी हुई अपडेट्स, संसद से जुड़ी हुई अपडेट्स लनटॉप आप तक लगातार पहुंचा रहा है। आपके लिए यह खबर लिखी थी मेरे साथी आदित्य ने। देखते रहिए लनटॉप। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।